वॉज अबाउट टू गो टू बेड एंड मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ, और मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि मैं हिंदी और इंग्लिश में, मतलब हिंदी में भी वीडियोस बनाऊंगी. सो इसलिए मैं क्या कहते हैं, मेरी हिंदी तो, मेरी लैंग्वेजेस इतनी अच्छी नहीं है, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, इतनी वोकैब मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दोनों लैंग्वेजेस में ही थोड़ा बहुत बताऊंगी. तो आज मैं ऋषि चैवन्या की क्या कहते हैं कहानी बताने वाली हूँ. तो जो ऋषि चैवन्या थे, चैवन्या, तो उनका क्या था कि वो जब से पैदा हुए थे तब से ही वो काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे, तो और वो मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान करते थे. तो वो एक बार अपनी समाधि में बैठे, और उनकी भी एक स्टोरी है कि वो कैसे पैदा हुए थे. तो उसमें ये हुआ था कि जो उनकी मतलब जो उनके फादर थे, उनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, मतलब उनकी मदर थी वो प्रेग्नेंट थी इन्हीं से, मतलब चैवन्या से. तो उसमें ये हुआ था कि मतलब उनके पीछे, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी, एक बॉयर पीछे पड़ गया था. तो उसमें क्या हुआ था कि जो अग्नि थी उनको साक्षी मान के वो क्या कहते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, वो प्रोटेक्ट करती थी. जैसे कि अक्सर लोगों के घर में उस समय दिया ही जल रहा होता था, क्योंकि और वो परमानेंटली उसको जलाते थे, जला के रखते थे. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अब अग्नि को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन क्या हुआ कि वो बोर पीछे पड़ गया, और ऋषि जब वापस आए तो उनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि अग्नि ने कुछ नहीं किया, तो अग्नि को श्राप दे दिया. उसके बाद फिलहाल ऐसा हुआ कि वो जब वो भाग रही थी उससे बचने के लिए, सुअर होता होगा बोर, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो भाग रही थी जब, तो वो बच्चा डिलीवर हो गया, ठीक है, और वो भी भाग गया जो पीछे पड़ा था जानवर, ठीक है. तो वो बच्चा डिलीवर हो गया, और उसमें अलग ही एक चमक थी, ठीक है. तो उसका नाम चैवन्या पड़ा. फिर जब वो चैवन्या जो पैदा हुए, मतलब अब वो बहुत ध्यान व्यान करते थे, तो वो समाधि में बैठे हुए थे. तो वो जब समाधि में बैठे, उन्हें पता ही नहीं चला, वो समाधि में बहुत टाइम से बैठे थे, तो उनके ऊपर एक मिट्टी का टीला बन गया, मतलब एक पहाड़ सा बन गया उनके आसपास. तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि किंगडम के राजा थे, वो अपनी वाइफ के साथ और फैमिली के साथ वहाँ पे जंगल में, मतलब पिकनिक मनाने आए जिसे कहते हैं, और हंटिंग वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए आए. तो उसमें उनकी प्यारी सी एक बेटी थी, तो वो राजकुमारी थी. तो ठीक है, वो क्या हुआ कि वो ऐसी खेल रही थी, तो उसने वो टीला देखा, तो उसमें उसने देखा कि कहीं ना, मतलब एक जगह चमक रही है, वो टीले में से चमक आ रही है, ठीक है. तो उसने ना, उसमें बच्ची थी, तो उसने उसमें फिंगर कर दी ऐसे करके, और फिर उसके बाद एक तो अंदर से आवाज़ आई, और एक और लाइट चमक रही थी उसमें भी उसने फिंगर कर दी. तो बेसिकली ऋषि चैवन्या की दोनों आँखें उस लड़की ने फोड़ दी, और उसको वो डर गई कि कुछ गड़बड़ है, तो वो मतलब चली गई, उसने किसी को कुछ नहीं बताया. लेकिन होने क्या लगा किंगडम में कि सब जगह क्या कहते हैं, एक नेगेटिविटी सी हो गई, कोई भी काम पूरे नहीं होते थे, काल पड़ने लगा, फसलें वो खराब होने लगी, झगड़े चोरियां और ये सारी चीज़ें प्रजा में होने लगी. तो फिर जब उन्होंने अपने मिनिस्टर से पूछा, राजा ने, कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मिनिस्टर्स ने कहा कि ज़रूर किसी ऋषि मुनि की मतलब इंसल्ट हुई है, या उनको कुछ परेशानी करी गई है, गलत तरीके से परेशान किया गया है, जिसकी वजह से ये सारी आपदाएँ आ रही हैं. तो क्या कहते हैं, अब वो राजकुमारी को तो मालूम था कि क्या हुआ है. तो फाइनली राजकुमारी ने फिर अपने फादर को बता दिया कि ये हुआ था. तो फिर वो वहाँ जाते हैं, उनसे सॉरी बोलते हैं, उनको काफ़ी मनाने की कोशिश करते हैं. तो ऋषि चैवन्या कहते हैं, ठीक है, मेरी शादी इस लड़की से कर दो. अब ऋषि चैवन्या अब क्या कहते हैं, जो वो थे, एक सेकेंड, अब जो वो थे अपने राजा, वो बड़े परेशान थे. वो कह रहे थे कि हम कैसे कर दें, क्योंकि ऋषि चैवन्या जो है वो बिल्कुल हड्डी के माफिक सूख चुके थे, आंखें डल हो चुकी थी, और वो बिल्कुल ही श्रिवल्ड, जिसे कहते हैं ना, मम्मीफाइड टाइप के हो चुके थे वो. तो इसमें थोड़े वो कंसर्न थे, उनकी बच्ची बहुत यंग और सुंदर और छोटी थी. तो लेकिन उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं करूँगी, कोई नहीं, मतलब उस बच्ची ने कहा कि हाँ मैं शादी कर लूँगी. तो उसने शादी कर ली. अब वो सारे टाइम वो सिर्फ समाधि में ही रहते थे, वो सारे टाइम उनकी टेक केयर करना, खाने पीने का ध्यान रखना, ये करना वो करना, वो सारी टेक केयर वो ही करती थी, ठीक है. तो फिर क्या हुआ कि वो अच्छी थी, बहुत सुंदर थी. तो एक बार क्या हुआ कि अश्विन ब्रदर्स जो है, वो ट्विन ब्रदर्स होते हैं, वो सेलेस्टियल मतलब डिविनिटीज हैं एक तरीके से. तो उनको क्या था कि
अश्विन ब्रदर्स जो थे वो वहां से गुजरे, तो उन्होंने देखा ये इतनी सुंदर लड़की जंगल में क्या कर रही है, तो फिर उन्होंने उसको ऑफर किया कि तुम हम दोनों भाइयों में से किसी से शादी कर लो या हमारी गर्लफ्रेंड बन जाओ जो भी। और वो बोली कि लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरे हस्बैंड है। तो उसने अपनी कहानी बताई कि मेरे हस्बैंड ऐसे वैसे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है कि एक काम करो कि तुम अपने हस्बैंड को ले आओ और जब हम पानी में डुबकी लगाएंगे उसके बाद जब हम तीनों बाहर निकलेंगे हम तीनों एक से दिखेंगे। जो अश्विन ब्रदर्स हैं वो ट्विंस हैं तो वो दिखते भी सेम ही हैं। तो बोले कि हम तीनों एक से दिखेंगे, तो तुम्हें अपना अगर तुम अपने हस्बैंड को आइडेंटिफाई कर लोगी तो तुम अपने हस्बैंड के साथ जाओगे, नहीं तो तुम हम दोनों में से किसी एक को जिसको भी चूज करोगी तुम्हें उसके साथ जाना होगा। तो वो अपने वापस जाती है अपने हस्बैंड को बताती है, तो वो तैयार हो जाता है इस उसके लिए। तो फिर उसके बाद वो जाते हैं वापस और वो वापस तीनों निकलते हैं, वो सेम होते हैं। उसको काफ़ी डिफिकल्टी होती है आइडेंटिफाई करने में कि उसका हस्बैंड कौन है। तो क्या करती है कि वो भगवान से मतलब वो देवी से प्रार्थना करती है। तो जब वो देवी से प्रार्थना करती है तो उसको ये इंडिकेशन हो जाता है कि उसका हस्बैंड कौन है, तो वो उसी को चूज करती है और उसके बाद वो वही उसका हस्बैंड होता है और उसके बाद वो खुशी खुशी साथ में रहते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एक ऋषि की, मैंने ये एक बुक में पढ़ी थी। मैं बता भी दूंगी वो कौन सी किताब है, बट मुझे अच्छी लगी थी तो इसलिए अब हिंदी में मैंने बताया है तो अब ये शिकायत तो आएगी नहीं कि हिंदी में बताओ, और बहुत सारे लोग देखते भी नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं वापस किसी और कहानी के साथ। उसके दौरान लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक्स एंड बाय।